देखिए भाजपा वाले धूप बत्ती आरती लेके तैयार बैठे हैं उसको अपनी पार्टी में बुलाने के लिए। प्रशासन चेक कर रही है ना, अब जब तक साबित नहीं हो जाता उस पर टिप्पणी करना भी गलत है। प्रूफ होना चाहिए, पहले प्रूफ होने दो। आज रिपोर्ट लिखवाई है, उन्होंने कहा है कि मेरे को विभव कुमार ने 5 या 7 पंच जो है उनकी फेस पे मारा है। मैं हिस्ट्री के बारे में नहीं जानूंगा लेकिन मैं इतना बताऊंगा, अगर किसी भी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा तो उसको एक्शन होनी चाहिए। बाकी मैंने अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो कल आपसे फिर मिलूंगा। 5 थप्पड़ अगर किसी लेडीज के मुंह पे लगता है, पेट पे मारा जाता है, उसको कोई इंजरी नहीं होगी और प्लेस ऐसे का तैसे रहेगा, ये कैसे हो सकता है? जिसको अपना आत्मविश्वास खो चुका होता है ना, वही ऐसा करते हैं, हमारा ये मानना है। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा वाले ठीक वही काम कर रहे हैं जो मनोहर लाल पर्रिकर ने तेजपाल के साथ किया था वो तहलका वाले में। अडवाणी जी का नाम हवाला जैन केस डायरी में आया था, उन्होंने कहा कि मैं जब तक संसद से इस्तीफा देता हूँ और जिस दिन मैं पाक साफ बरी होगा उस दिन संसद में जाऊंगा। जो FIR आई है उसके बाद मुझे ये लग गया कि ये प्योर विक्टिम कार्ड खेल रही है और कुछ नहीं है। त्यागपत्र देते ना एक अच्छा मिसाल कायम होता और जो कहीं नहीं जा रहा है। इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा केजरीवाल होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो दोस्तों इस समय स्वाति मालीवाल जो कि चर्चाओं का विषय बनी हुई है, ये सब आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि वो स्वाति मालीवाल के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या उनका कहना है। आइए फिर जानते हैं कि क्या उनका वाकई कसूर क्या था जिस वजह से उनको ये सब फेस करना पड़ा। चलिए फिर दिल्ली की जनता से जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में। आइए फिर चलते बात करते हैं। स्वाति मालीवाल को लेके आप क्या बोलेंगे? देखिए भाजपा वाले धूप बत्ती आरती लेके तैयार बैठे हैं उसको अपनी पार्टी में बुलाने के लिए। तो स्वाति मालीवाल जी चूंकि आम आदमी पार्टी से हैं तो इनकी एक हिस्ट्री रही है, मैं उनका बैक से शुरू कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ साल पहले जब ये सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी, तो अपना वो सदर हॉस्पिटल या कौन सा हॉस्पिटल है, हौज खास वाला, तो वहाँ वो शक्तिमान बन के किसी लड़की छेड़ने वाले के पास चली गई थी पकड़ने उसको, ठीक है। तो उनका हाथ उसकी कार में फंस गया था, उसने शीशा चढ़ा दिया था और इनको 20-25 मीटर खींचा था। आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, तब पता नहीं आप पत्रकारिता कर रहे थे नहीं। उसके 4 दिन के बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी, उसमें भी इंटरनल इंजरी आई थी, ठीक है। आज रिपोर्ट लिखवाई है, उन्होंने कहा है कि मेरे को विभव कुमार ने 5 या 7 पंच जो है उनकी फेस पे मारा है, 2-4 पेट पे भी मारा है, पेल्विक पार्ट पे भी 2-4 लात पड़े हैं, ठीक है। तो आप खुद एक औरत हैं, अगर आपके ऊपर कोई मर्द मतलब पूरी पावर से अटैक करेगा तो एक थप्पड़ में भी आपके चेहरे का कलर बदल जाएगा, ठीक है। और वहाँ तो उन्होंने 5-7 की बात करी है, तो ये पूरी तरीके से राजनीति की हुई है। उनकी जो नौटंकी की आदत है यहाँ भी उन्होंने नौटंकी करी है। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा वाले ठीक वही काम कर रहे हैं जो मनोहर लाल पर्रिकर ने तेजपाल के साथ किया था वो तहलका वाले में। उन्होंने कहा था कि ये लड़की ने जब आरोप लगाया था तो ये गायब हो गए, तो मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि भाई उसका क्या है, उसकी तो वीडियो है हमारे पास लिफ्ट वाली। उसके बाद ये मान्यवर सामने आ गए, बोले तुम्हारे पास है तो मीडिया में हाईलाइट कर दो। पुलिस वाले पकड़ के लेके बोले भाई हमसे गलती हो गई, वो तुम्हारी वीडियो लिफ्ट की नहीं थी, वो तो होटल के लॉबी की थी। तो यही हाल जो है वो मकड़ी के जाले की तरह स्वाति मालीवाल ने बुना है और भाजपा ने। मतलब आपको लग रहा है वुमेन कार्ड प्ले कर रही है? ये मैंने हिस्ट्री खोल ली है उनकी 2 बार की, एक बार आदमी करे तो गलती हो सकती, सेम वही स्टोरी 2 बार वो करे तो इसको तो राजनीति ही बोलेंगे। भैया 5 थप्पड़ अगर किसी लेडीज के मुंह पे लगता है, पेट पे मारा जाता है, उसको कोई इंजरी नहीं होगी और प्लेस ऐसे का तैसे रहेगा, ये कैसे हो सकता है? और उनका वीडियो देख लीजिए वायरल, पहली बार जब उन्होंने कॉल किया था तो क्लियर करे, अगर किसी ने मेरे को टच भी किया तो मैं उसकी नौकरी खा जाऊंगी। तो पहली कॉल पे तो उनको किसी ने हाथ लगाया नहीं था, दूसरी कॉल पे जब हाथ लगाया तब तक तो पुलिस पहुंच गई थी। तो वो प्योर राजनीति कर रही है और मुझे लग रहा है कि भाजपा वाले ये काम कर रहे हैं। आपको भी लगता है राजनीति कर रही है? देखो मुझे ये भाई साहब ने बोला कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैं हिस्ट्री के बारे में नहीं जानूंगा लेकिन मैं इतना बताऊंगा, अगर किसी भी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा तो उसको एक्शन होनी चाहिए। बाकी मैंने अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो कल आपसे फिर मिलूंगा। देखिए कल तक मैं स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में था पूरी तरीके से, क्योंकि जब तक मैंने उनकी FIR की कॉपी नहीं पढ़ी थी तब तक मुझे ये बात पूरी तरीके से लग रही थी कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। लेकिन जो उन्होंने FIR में पर हो गया शूट, हाँ क्या नंबर चेक कर लो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वो जो वीडियो आया सोशल मीडिया पे और जो FIR आई है उसके बाद मुझे ये लग गया कि ये प्योर विक्टिम कार्ड खेल रही है और कुछ नहीं है। और भाजपा वाले अपनी राजनीति करना चाहते थे, उनका वोट बैंक करना था, वो तो उन्होंने कर लिया।
अब कल तक जो है कोई भी आदमी केजरीवाल जी बेचारे जेल से छूट के आए किसी तरीके से जमानत पे, एक तो कोर्ट ने नहीं जमानत पे नहीं आया, एक तो कोर्ट ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया, ऊपर वापस जा रहे बेचारे। हाँ ऐसे ही छोड़ दिया, जो भारत का एलीट है उसका फायदा उन्होंने साबित किया कि एक बार फिर कोर्ट जो है वो एलीट की सुनती है, नॉर्मल आदमी को तो कोई औकात नहीं है कोर्ट में। अब उसके नाम पे कोई भी आदमी जो है, भाजपा वालों ने अपनी राजनीति के लिए पूरी तरीके से, आप इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, पंजाब हरियाणा और यूपी ये जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, जहां जहां केजरीवाल प्रचार करने जाएंगे वहां वहां भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि ठीक है वही हालत हुई है जो मुलायम सिंह यादव का अपमान करने के नाते अखिलेश जी का हुआ था 2017 में। अखिलेश ने कोई ऐसी गलती नहीं करी थी कि वो सत्ता में ना लौटते, सबसे अच्छा रोड उन्होंने बनाया था, एम्बुलेंस उन्होंने शुरू की थी, पुलिस की बैन उन्होंने शुरू करी थी, वृद्धा पेंशन से लेके मतलब हर वो काम जो एक स्टेट मिनिस्टर कर सकता था, यहाँ तक कि ग्रेजुएट लोगों को उन्होंने लैपटॉप भी बांटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव हारे केवल एक नाते से, अपने बाप का अपमान करने से। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वाति मालीवाल का अपमान किया, और सबसे बड़ी गलती यही करी है कि उन्होंने वैभव कुमार को अपने साथ लेके फ्लाइट पे घूम रहे, क्योंकि देखो हकीकत तो उनको पता थी कि ये मारी गई नहीं है, अब वो बेचारे गलती से फंस गए हैं, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा चुनाव। सर आपको लगता है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ है वो वाकई में हुआ है या सिर्फ राजनीति है? प्रशासन चेक कर रही है ना, अब जब तक साबित नहीं हो जाता उस पर टिप्पणी करना भी गलत है, प्रूफ होना चाहिए, पहले प्रूफ होने दो सब कुछ। अच्छा, का ये प्रूफ स्वाति मालीवाल के लिए होता है, और जगह जब आती है तब तो विपक्ष वाले बिना वो FIR किए ही दोषी ठहरा देते हैं। किस चीज को, कुछ चीज में दोषी सर वाले पे भी तो सारे नंगे नाच रहे थे, ब्रिजभूषण सिंह वाले पे मतलब ब्रिजभूषण सिंह का जो मामला है वो पहलवान महिलाओं का मामला है, वो छोटा मामला नहीं है, इनका मामला है छोटा, वो रेपिस्ट वाला मामला है, अब उसको इससे कंपेरिजन ना करे। और रही बात प्रूफ की बात, तो केजरीवाल को भी तो जेल में डाला गया बिना प्रूफ के साथ, प्रूफ कहाँ अभी तक, कहाँ कोई प्रूफ मिला, साबित ही नहीं हो पाया, नहीं नहीं अभी तक मैडम एक भी चीज देखा तो साबित का आज तक नहीं साबित हुआ। हाईकोर्ट ने बोला कि पर्याप्त सबूत है, हाईकोर्ट ने बोला, हाईकोर्ट ने बोला, हमने सुना, अरे भैया शांत, गुस्सा ना, गुस्सा ही तो नहीं होते हम लोग, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं भैया, मोहब्बत मत बांट, नफरत तो बांटते ही ना, मुझे भी चला यार, सुनिए सुनिए, अरे सुन लो भाई, देखिए देखिए कोर्ट जो है उन्होंने इनको केस नहीं अपील किए, इनको प्रचार करने के लिए इजाजत दी है, ठीक है, तो प्रचार करने के लिए इजाजत दी है, इसका मतलब कोर्ट ये साबित कर रही है कि जो हमारे संविधान के निर्माता हैं वो प्योर इस स्तर पे नहीं गिरे हुए थे, हालांकि वो लोग भी दलाली करते थे, इस बात से नहीं सहमत, इसलिए कि भाई जो संविधान निर्माता अपने ऊपर जुल्म करने वालों को पेंशन दे सकते हैं वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, लोगों को बुरा लगता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लगता क्या कह रहे हो, मैंने कहा कि भैया देखो जो संविधान निर्माता हमारे थे, जो पुलिस वाले या जो मिलिट्री वाले, जो पुलिस वाले हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर, हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनको नौकरी से निकाला ना तो दूर, उनकी पेंशन भी चालू रखी थी, टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो वो संविधान निर्माता भी ये कल्पना नहीं कर पाए थे कि कोई ऐसा मिनिस्टर आएगा जो जेल में जाएगा और इस्तीफा नहीं देगा, ठीक है, तो इसके बारे में यह है कि इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए, पहले हमारे यहाँ कहावत चलती थी, लेकिन आज की कहावत यह है इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा केजरीवाल होना चाहिए जो जेल में जाके भी इस्तीफा नहीं देता, अरे भैया तुम्हारे साथ गलत हुआ है एक्सेप्टेड, अपने आप कोर्ट है, सबूत है, सब कुछ है, कम से कम तुम्हारी इतनी मोरालिटी तो होनी चाहिए, नैतिकता बढ़ जाती, नैतिकता बढ़ जाती, रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो उनकी बढ़ती गई और पद मिलते गया, जिसको अपना आत्मविश्वास खो चुका होता है ना वही ऐसा करता है, हमारा ये मानना है, राहुल जी आत्मविश्वास खोए तो अमेठी से वायनाड गए, 25 सीट 50-30-80% वोट गए, जो आत्मविश्वास खोता है वो ऐसा निर्णय लेता है, इसे देखिए हम सब इंसान है, सबके पास सेंस है, सुझबूझ है, अडवाणी जी का नाम हवाला जैन की इश्तारी में आया था, उन्होंने कहा कि मैं जब तक संसद से इस्तीफा देता हूँ और जिस दिन मैं पाक साफ बरी होऊंगा उस दिन संसद में जाऊंगा, ऐसे अडवाणी जी का उदाहरण है सामने, मदनलाल खुराना ने इस्तीफा दिया था, यही कहकर बढ़ जाती है, हमारा मानना है त्यागपत्र देते ना एक अच्छा मिसाल कायम होता, और जो कहते हैं कुर्सी कहीं नहीं जा रहा है, जनता कहीं नहीं जा रही है, हम लोग प्रिय हैं।